और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो करारा प्रहार किया है, जवाब दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर मोदी सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख करते हैं जी। हां, मुख्य कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की यह भूल थी, मणिशंकर अय्यर जैसों की लाइन को स्वीकार करना अपने आप में बिल्कुल गलत था, और उस गलती का यह उत्तर देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं को शील्ड बना ले कि मेरा राजनीतिक जीवन एक सबूत है और उसको एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल करें, इसकी कोई आवश्यकता अपने आप में नहीं थी। धन्यवाद। You know, the point that the Congress is making is that the charge that the Prime Minister made was about Gujarat elections, were discussed by the Pakistan High Commissioner. Dr. Manmohan Singh in his statement very categorically denies it, and he says all those diplomats who were present there, as well as journalists or anybody else, can vouch and say. And आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की और पाकिस्तान की ये बैठक क्यों हुई। ये तो कांग्रेस के नेताओं को समझाना चाहिए देश को कि इस बैठक का उद्देश्य क्या था, इसका औचित्य क्या था, इसकी आवश्यकता क्या थी, जबकि राष्ट्र की एक नीति है स्पष्ट कि जब तक आतंक चलेगा तो उस स्तर पे बातचीत नहीं हो सकती। उस राष्ट्रीय नीति का सभी जिम्मेवार लोग पालन करते हैं, और जो मुख्य विपक्षी दल होता है वो भी देश का एक अटूट प्रमुख अंग रहता है, और उससे भी ये अपेक्षा रहती है कि जो देश और राष्ट्र की नीति है उसके अनुकूल वो अपनी राजनीतिक कार्रवाई करे। श्री मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों का क्या रुख है ये तो सब जानते हैं। उन्होंने कभी इस राष्ट्रीय नीति को स्वीकार नहीं किया। उनकी नीति ये रही है कि आतंक चलता रहेगा, बातचीत करते रहो और दोस्ती बना के रखो, और पाकिस्तान इस देश में आतंक फैलाता रहे। उस नीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनका न्योता स्वीकार कर लेना यह एक बहुत बड़ी भूल थी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, और उसमें जाकर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से बात करना, और आज जो किया कि इस भूल को स्वीकार करने की बजाय, जिसको मैं एक मिसएडवेंचर कहता हूं, आक्रामक हो जाना और कहना कि प्रधानमंत्री इसको मुद्दा उठाने की उठाया है प्रधानमंत्री ने, उसके लिए क्षमा मांगे। क्षमा तो उनको माननी चाहिए थी जिन्होंने इस राष्ट्रीय नीति का उल्लंघन किया है, और कम से कम देश को समझाना चाहिए कि इस वक्त इस तरह की बैठक के पीछे औचित्य क्या था। तो यहां पर आप सुन सकते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर माफी मांगे, जबकि पूरे देश की एक नीति है पाकिस्तान को लेकर, तो इस तरह की मंत्रणा के क्या औचित्य है। तो एक तरह से मनमोहन सिंह से माफी मांगने की मांग वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की है। तो ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर कुछ सवाल अभी भी मुंह बाहे खड़े हैं। सवाल नंबर एक, अगर सरकार की एक नीति थी तो ऐसे में आखिर क्यों भारत सरकार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री को वीजा दे रहा है? अगर एक नीति थी तो आखिर क्यों इस तरह की मंत्रणाएं चल रही हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।